one point to another point are called the fluids. The substances which can flow from one point to another point are called the fluids. The substances which can flow from one point to another point are called the fluids. अब फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स. ओके, मैं ये थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से साउंड नहीं आ रहा था तो दोबारा से बता देता हूँ. फ्लूइड डायनेमिक्स आपके चैप्टर नंबर 6 का नाम है. सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए. फ्लूइड का मतलब वो चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सके. The substances which can flow from one point to another point are called the fluids. The substances which can flow from one point to another point are called the fluids. The substances which can flow, जो एक जगह से दूसरी जगह travel कर सकते हैं, flow कर सकते हैं, उन substances को हम नाम देते हैं बेटा fluids का. हमारे पास जो example है वो है liquids and gases. Okay, अब बेटा बात करते हैं fluid dynamics की. The branch of physics which deals with the fluid in motion is called fluid dynamics. The branch of physics which deals with the fluids in motion is called dynamics. The branch of physics which deals with the fluid in motion. Physics ki wo branch jisme hum fluids ko discuss karte hain in motion mein is called fluid dynamics. The branch of physics. The branch of physics which deals with the fluids, जिसमें हम fluids की motion के बारे में discuss करेंगे, is called the fluid dynamics. The branch of physics which deals with the motion of the fluid or the fluid motion. दो एक बात. The branch of physics which deals with the motion of the fluid. इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? फ्लूइड डायनेमिक्स का. ये हमारे पास चैप्टर का नाम क्लियर हो गया. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कैन. मरियम बेटे, सर चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक रह गया है. हाँ, वो भी कर लेंगे. लास्ट टॉपिक आइंस्टाइन और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो अंडरस्टूड था. खैर, वो भी दोबारा करवा दूंगा. फिलहाल इसकी बात करते हैं. द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और कॉल्ड द फ्लूइड्स. वो चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती हैं उनको हम फ्लूइड्स का नाम देते हैं. उसके बाद मेरा बेटा उसके एग्जांपल थे हमारे पास लिक्विड्स एंड गैसेस. लिक्विड्स एंड गैसेस. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड द फ्लूइड डायनेमिक्स. डायनेमिक्स वैसे मैकेनिक्स का हिस्सा है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मोशन की, ऑब्जेक्ट की, मूवमेंट की और इसके रीजंस की. वो ऑब्जेक्ट्स मूव एक जगह से कर रहे हैं तो दूसरी जगह क्यों कर रहे हैं. सबसे पहले तो मेरा बेटा कौन सा फ्लूइड कितना फ्लो करेगा और कितना फ्लो नहीं करेगा, ये चीज हमें बताती है विस्कोसिटी. कोई फ्लूइड जैसे कि लिक्विड या गैस एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए कितने रेजिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ता है, कितनी इजीली वो फ्लो करेगा और कितनी इजीली वो फ्लो नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी. विस्कोसिटी को अगर बहुत ही सादा लफ्जों में कहा जाए तो वो है फ्लूइड का, लिक्विड का गाढ़ापन. वो है आपके पास फ्लूइड का या गैसेस का, लिक्विड या गैसेस का गाढ़ापन. जो चीज जितनी ज्यादा डेंस होगी, गाढ़ी होगी, उसमें वो इतनी ज्यादा उसमें रुकावट आएगी उसको अपने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में, फ्लो करने में. तो ये बात करते हैं जरा. अभी सबसे पहले विस्कोसिटी की बड़ी आसान सी डेफिनेशन लिखता हूं. द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो. द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी की बात करते हैं. The property of fluid की वो खूसियत ड्यू टू विच जिसकी वजह से दे रेजिस्ट, ये मुखालफत करते हैं, दे रेजिस्ट देयर फ्लो. पानी की लेयर है या आपके पास हनी शहद है, कौन इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा? सिंपल, बड़ा प्रिटी ऑब्वियस आंसर है आपके पास के हनी बी.
क्योंकि वो ज्यादा गाढ़ा होगा, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी वॉटर. सो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी. उस चीज को हम नाम देते हैं बेटा विस्कोसिटी का. इस विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसे नाम क्या दिया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें ये विस्कोसिटी ये चीज बताती है कि लिक्विड या गैसेस की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर कितना इजीली फ्लो कर सकती है या नहीं कर सकती. जो इजीली फ्लो नहीं कर सकती उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, वो ज्यादा गाढ़े होंगे. और जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं लिक्विड या गैसेस, उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा बेटा, कम होगा. उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा हमारे पास, स्मॉल होगा. हम मेरा बेटा बात करते हैं कि हमें यह चीज डिस्क्राइब करने के लिए किसकी बात करनी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है. मैंने अभी यह बात बताई कि जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी, जो एक जगह से दूसरी जगह, वो सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट फ्लो इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. दे हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. दे हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हमारे पास क्या आएगा बेटा, ज्यादा. सो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस डेट डू नॉट, जो इजीली फ्लो नहीं कर सकते, डेट डू नॉट इजीली फ्लो, हैव लार्ज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. Substances that do not easily flow have large coefficient of viscosity. और जो ज्यादा गाढ़े नहीं होते उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में बड़े इजिली वो फ्लो कर सकते हैं, बहुत कम रुकावट का सामना करना पड़ता है. तो उनकी लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल अफेक्ट होता है, पानी की लेयर या गैसेस या लिक्विड की लेयर या गैसेस की लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल अफेक्ट होता है, वो इंक्रीज कब होगा जब विस्कोसिटी क्या होगी ज्यादा, वो डिक्रीज कब होगा, हम इसको इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी देख रहे हैं. फ्रिक्शनल अफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड आर गैसेस. फ्रिक्शनल अफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड आर गैसेस, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी. गाढ़ेपन के लिहाज से जिसका गाढ़ापन कम होगा उसका स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लो कर सकते हैं. जैसे आप एक पानी की बोतल लें और एक शहद की बोतल लें, उसको एक जगह से दूसरी जगह आपने मूव करवाना है, तो आप देखोगे पानी की मूवमेंट बड़ी इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा, लेकिन जो शहद होगा उसको मूव करने में थोड़ा डिफिकल्ट सामना करना पड़ेगा, कि उसकी विस्कोसिटी क्या है बेटा, ज्यादा. उसके दरमियान फ्रिक्शनल अफेक्ट क्या है, ज्यादा है. तो ये था हमारे पास फ्रिक्शनल अफेक्ट, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी डिस्कस कर रहे हैं. अब मेरा बेटा, अब यहां पे स्टोक्स ने एक लॉ दिया था जिसे हम नाम देते हैं स्टोक्स लॉ या ड्रैग फोर्स. स्टोक्स लॉ ने हमें बताई ड्रैग फोर्स, जो एफ इक्वल होती है आपके पास 6 पाई एटा आर वी. 6 पाई एटा आर वी. हमें एक्चुअली फिलहाल जो कंसर्न है इसे नेक्स्ट वाले टॉपिक में अभी मैं डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स जैसे कि वर्ड से नाम क्लियर हो रहा है, क्योंकि चीज खींचने वाली फोर्स. मैं सबसे आसान बात बताता हूं, आप गाड़ी में बैठे ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी बड़ी तेजी के साथ मूव कर रही है, आप अपना हाथ विंडो से बाहर लेके जाओ, आपके हाथ में एयर जो फोर्स लगाएगी आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेल रही होगी, उस फोर्स को हम नाम क्या देंगे बेटा, ड्रैग फोर्स का. उस फोर्स को हम नाम क्या देंगे बेटा, ड्रैग फोर्स का. बड़ी आसान से एग्जाम्पल बता दी कि जब आप गाड़ी में मूव करते हो अपना हाथ विंडो से बाहर रखें, वो फोर्स जो आपके हाथ को पीछे की तरफ धकेल रही होगी, पुश कर रही होगी, खींच रही होगी, उस फोर्स को क्या नाम देंगे बेटा हम, ड्रैग फोर्स का. सो ड्रैग फोर्स अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी एंड ईटा, ये एन जो लिखे इसको हम ईटा बोलते हैं, एंड ईटा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नहीं बेटा, फ्लो फ्लूड नहीं कॉल्ड विस्कोसिटी, कभी भी सही सब ऐसे नहीं कहेंगे. द फ्रिक्शनल अफेक्ट बिटवीन द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द विस्कोसिटी.
लो द लिक्विड या गैसेस की बात करेंगे, फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ये तो कोई बात ना हुई। सो अब मेरा बेटा ईटा की बात करनी हमने, तो ईटा निकालना हो तो एफ ये पूरा 6 पाई आर वी, इसके साथ मल्टीप्लाई रखे क्या हो जाएंगे बेटा, डिवाइड 6 पाई आर वी इज इक्वल टू ईटा आ जाएगा। इसे हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम ईटा की डायमेंशन निकालना चाहें, जो बार बार हमेशा हमारा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईटा, तो उसकी बात करते हैं। डायमेंशन कैसे निकाली जा सकती है, फॉर्मूले से डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहले तो उसकी यूनिट की बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या बनता है। हमारे पास इसका फॉर्मूला बना एफ ओवर 6 पाई ईटा आर वी। फोर्स का यूनिट होता है बेटा न्यूटन, पाई आपके पास कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, तो उसके यूनिट की तो बात ही नहीं करेंगे। और रेडियस का यूनिट होता है मीटर, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अब ये पर सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड, और साथ हमारे पास क्या आ रहा है, पर मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है मेरा बेटा कि आपके पास न्यूटन किसके इक्वल आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, ये ऊपर लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड और एम माइनस टू। मैं सिर्फ इसका यूनिट बनाने लगा, यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड को ऊपर लेके एम की पावर नीचे प्लस वन है, प्लस टू है, ऊपर जाके क्या होगी माइनस टू। अब न्यूटन हमें बड़े अच्छे से मेरा बर्दा बताया कि न्यूटन किसके इक्वल आता है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया न्यूटन की जगह पे, बाकी एक सेकंड वैसे का वैसे लिखा हुआ, और साथ क्या आ गया एम माइनस टू, साथ क्या आ गया बेटा आपके पास एस माइनस टू। तो ये एक एस तो इसके साथ क्या हो गया कैंसिल, और ऊपर से यहां पे बेस एम है तो पावर क्या होगी एट वन प्लस माइनस टू क्या आएगा आपके पास माइनस वन। सो ये बन गया किलोग्राम मीटर इनवर्स, और एस की पावर नीचे प्लस वन, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस वन। सो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड विस्कोसिटी का यूनिट आ गया आपके पास, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। विस्कोसिटी की वजह से तो फ्लूइड सही से फ्लो नहीं करेगा, जहरी सी बात है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होता है। हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब कि हमें डिस्कस करना है कि व्हाई द फ्लूइड्स, कौन से फ्लूइड इजीली फ्लो कर सकते हैं और क्यों करते हैं, और कौन से फ्लो इजीली फ्लो नहीं कर सकते और उसके पीछे क्या रीजन है, हमें उन्हीं रीजन को ही डिस्कस करना है। अब बेटा बात कर दें, ये आ गया इसका यूनिट। अब हमें यहां से डायमेंशन निकाल लियो, तो किलोग्राम का पता है आपको किसकी डायमेंशन होती है बेटा, ये यूनिट किसके लिए यूज किया था, मैस के लिए, और मैस किलोग्राम आ गया, मीटर लेंथ का यूनिट होता है तो एल माइनस वन आ गया, टाइम भी इनवर्स में सेकंड का आ रहा है तो टी माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन आ गई। मैस के लिए किलोग्राम हम मैस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहां पर देखा जाए, और लेंथ इनवर्स में आ रही है, मीटर इनवर्स आ रहा है तो लेंथ इनवर्स एल इनवर्स उसके लिए आ गया, टाइम सेकंड के लिए टी माइनस वन आ गया। तो ये डायमेंशन आ गई हमारे पास बेटा विस्कोसिटी की, ये डायमेंशन हमारे पास आ गई विस्कोसिटी में। अच्छा बेटा आप लिए बात तो ये बता, फ्लूइड की फिजिक्स में क्या काम है। सबसे पहले बेटा हमें बात करनी फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बेटा, द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। हमने जब बात की ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि सॉलिड है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो मैटर में तीनों चीजें आती हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब पानी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह कैसे फ्लो करेगा, सबमरीन्स कैसे मूव करती हैं, शिप्स कैसे मूव करते हैं, उन्हें कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, एरोप्लेन भी जब हेयर का सामना, ड्रैग फोर्स का एरोप्लेन को सामना करना पड़ता है, उस ड्रैग फोर्स को कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है, हवाई जहाज को कैसे फ्लो करवा सकते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे पंप, आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, उसके अंदर फ्लूइड क्या गैसेस का क्या काम है, आपकी बॉल स्विंग कैसे होती है, क्यों होती है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिक्विड में क्या है, और लॉ कंजर्व एनर्जी ऑफ मैस क्या है, हजारों एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर हम लिक्विड और गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बेटा फिजिक्स में इसका ये काम है। अब बात करते हैं बेटा हमारे पास ड्रैग फोर्स, अभी मैंने बताया था कि ड्रैग फोर्स की वजह से आप क्या करते हो, रिटार्डिंग फोर्स, फ्लूइड को एक रिटार्डिंग फोर्स, उसकी फ्रिक्शनल फोर्स, उसे कम, उसकी मोशन को कम करने वाली एक फोर्स है, जिसे हम नाम क्या देते हैं बेटा, ड्रैग फोर्स।
अब जैसे जैसे देखो आपने गाड़ी के बाहर हाथ रखा, आपको एक हवा उसी की तरफ पुश कर रही है। अब जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी, ड्रैग फोर्स क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फीट। जिस तरह से बात है बेटे वही करने लगा हूं नेक्स्ट टॉपिक में। डिफाइन द ड्रैग फोर्स एंड स्टोक्स लॉ। एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फ्लूइड में मूव कर रहा हो, जैसे कि एक एरोप्लेन मूव कर रहा है एयर के अंदर या पानी के अंदर शिप मूव कर रहा है, तो उसको जिस रुकावट का सामना करना पड़ रहा है पानी की वजह से या गैसेस की वजह से, उस फोर्स को हम नाम देते हैं बेटा ड्रैग फोर्स का। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? ड्रैग फोर्स का। जी बेटा, फ्लूइड में गैसेस भी आती हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स। वेरी फर्स्ट, जैसे मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था उसमें भी आपको बेटा ये चीज बताई थी कि फ्लूइड का मतलब ही क्या होता है बेटा, लिक्विड्स एंड गैसेस। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड में मूव करेगा, उसको जिस रुकावट का सामना करना पड़ता है, जिस फोर्स का सामना करना पड़ेगा, उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे बेटा? ड्रैग फोर्स का। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब हम बात करने लगे बेटा ड्रैग फोर्स और, या फिर हम उसके क्या नाम देते हैं बेटा, स्टोक्स लॉ से हम ड्रैग फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो खैर फिलहाल ड्रैग फोर्स किसे कहते हैं? When an object moving through a fluid, when an object moving through a fluid, it experiences a force, उसको एक सामना करना पड़ता है एक force का, it experiences a retarding force. और इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं बेटे? इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। अब स्टोक्स ला हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रैग फोर्स एफ इज इक्वल टू, जी एग्जैक्टली बेटा वैसे ही है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। और वी के साथ लिखा होगा बेटा स्मॉल सो टी, और ये वी टी का मतलब होता है टर्मिनल स्पीड, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सबसे पहले यहां पे इसको स्टोक्स लॉ भी कहते हैं, स्टोक्स ने ये लॉ दिया था, उसकी स्टेटमेंट वैसे है, द ड्रैग फोर्स एफ डी ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग स्लोली विद स्पीड वी थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, एफ डी इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स के लिए साथ छोटा सा डी लिख देते हैं, 6 पाई ईटा आर वी टी। यहां पर बड़े अच्छे से यह बात क्लियर हो रही है कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी जो फ्लूइड में होगा जस्ट उसी को ड्रैग फोर्स कहेंगे। जी बेटे, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्लूइड्स के लिए आएगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है EXPERINCES, जिसको सामना करना पड़ता है, अ ड्रैग फोर्स इज कॉल्ड एक्सपीरियंसेस, अ रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड द डायरेक्ट फोर्स। अब बेटे इसको स्टोक्स लॉ भी कहते हैं, ये आपके पास वी टी इज कॉल्ड द टर्मिनल स्पीड। अब यहां पे लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूं कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेंगे ड्रैग फोर्स इंक्रीज करेगी। अब जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है वो जरा समझने वाली है, एट हाई स्पीड द फोर्स इज नो लॉन्गर टू प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। एट हाई स्पीड, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे जाके, एट हाई स्पीड द फोर्स इज नो लॉन्गर, नहीं रहती टू प्रोपोर्शनल ऑफ द स्पीड। अभी तक हम ये बात बता रहे थे कि अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ या स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग टर्मिनल स्पीड और ड्रैग फोर्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यह बात भी कही जा रही है अगर बहुत ज्यादा स्पीड इंक्रीज कर जाती है तो इन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं रहता। उसका मतलब आसान से है कि जब आप टेम्परेचर में बहुत ज्यादा राइज करते हो,
तो विरोस्टली और या जो आपके पास विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड होती है वो डिक्रीज कर जाती है और गैसेस की विस्कोसिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। पानी की विस्कोसिटी कम हो जाती है, लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जरी सी बात है, हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज, और गैसेस की विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन ये एक स्पेसिफिक हद तक है, मतलब जो आप बात करते हैं ना कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, एक खास हद तक जब स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो ड्रैग फोर्स का उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं रह जाता। इन केस ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ने से ड्रैग फोर्स बिल्कुल कम हो जाए, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ने से ड्रैग फोर्स बिल्कुल कम हो जाए। इसलिए यहां पे लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है, एट हाई स्पीड द फोर्स इज नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। अब आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स आपकी इंफॉर्मेशन के लिए राइट साइड पे टेबल में गिवन है। एयर की विस्कोसिटी बताई गई है, मेथनॉल की, बेंजीन की, वाटर की, इथानॉल की, प्लाज्मा, ग्लिसरीन, इन सब की विस्कोसिटी बताई गई है इन टर्म्स ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देयर लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देयर लेयर्स। ये था बेटा हमारे पास टॉपिक ड्रैग फोर्स का और स्टॉक्स ला का, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मेंशन कर लें कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करता, ऑब्जेक्ट मतलब फ्लूइड, जैसे कि आपके पास फोग का एक ड्रॉपलेट, फोग का एक ड्रॉपलेट, बर्फ का एक ड्रॉपलेट, या बारिश का एक कतरा, पानी का एक ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, विद अ कांस्टेंट स्पीड, उस कांस्टेंट स्पीड को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। क्या नाम देते हैं बेटा हम टर्मिनल वेलोसिटी का? द वेलोसिटी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या अंडर कांस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आ रहा होता है ड्यू टू इट्स वेट और उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक ड्रॉपलेट वो लिक्विड का एक ड्रॉपलेट जब मैक्सिमम हाइट से जमीन की तरफ आ रहा होता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, उस स्पीड को हम नाम देते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का। जी बेटा ऐसे ही है। अभी हम यहाँ पे लिक्विड्स के ड्रॉपलेट की बात करते हैं तो लिक्विड का जो ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, तो इस ड्रॉपलेट को हम कंसिडर करते हैं। फ्लूइड्स की बात करते हैं कि जो ये पार्टिकल है ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्फेरिकल शेप कंसिडर करते हैं फ्लूइड के लिए, लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए। किसी और शेप में कोई लिक्विड का ड्रॉपलेट आपको नजर नहीं आएगा किसी और शेप में, तो इसको हम किस में कंसिडर करते हैं? स्फेरिकल शेप, इसलिए हमने यहाँ पे स्फेरिकल शेप ली हुई है। अब बेटा बात करनी हमने टर्मिनल वेलोसिटी की, वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिसके पास साथ एक ड्रॉपलेट अपवर्ड डायरेक्शन से जमीन की तरफ आ रहा है ड्यू टू इट्स वेट और कांस्टेंट स्पीड के साथ, उस कांस्टेंट स्पीड को हम नाम देते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम कांस्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी, मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फॉलिंग जमीन की तरफ नीचे गिरते, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इसके बाद जो लाइन लिखी हुई है उसको हमने अभी प्रूव करना है। व्हेन वेट ऑफ द ड्रॉपलेट इज इक्वल टू द ड्रैग फोर्स, व्हेन वेट ऑफ द ड्रॉपलेट इज इक्वल टू द ड्रैग फोर्स, मिलते बेटा मेरे ख्याल में फिलहाल इसको भी कर ले और फर्स्ट चैप्टर, जैसे हमारे दूसरे चैप्टर होंगे तो उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर को भी कर लेंगे। फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन ड्रैग फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, इसकी डेफिनेशन ही इसकी पूरी डेरिवेशन में हमारी हेल्प कर लेगी। जब एक पानी का ड्रॉपलेट या फॉग ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है
जैसे कि अगर हम ये बात करते हैं, ये आपके पास एक ड्रॉपलेट है स्फेरिकल शेप में, मैं फिर बात कर रहा हूं, एक ड्रॉपलेट है स्फेरिकल शेप में, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ड्यू टू इट्स वेट, इट मीन्स के इसका वेट, अब देखो जब ये नीचे की तरफ आएगा इस पे हवा की फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, ड्रैग फोर्स का, और वेट हमारे के पास क्या आ रहा है बेटा, डाउनवर्ड। अब ये होगा कि जब ये पानी का ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन्स कि आपके पास वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, वेट ऑफ द ड्रॉपलेट हमारे पास लार्जर आ रहा है देन द ड्रैग फोर्स। अब जैसे जैसे ड्रॉपलेट नीचे की तरफ तेजी से मूव करता जाएगा, हमने खुद कहा था उसे ज्यादा से ज्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। तो आप पहले तो ये लिखे, वेट हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, एम जी इज ग्रेटर देन एफ डी। एक्चुअली जो टोटल फोर्स एक ड्रॉपलेट के ऊपर एक्ट कर रही है इस वक्त, जब आपके पास वेट ज्यादा है ड्रैग फोर्स से, ड्रैग फोर्स के लिए साथ एफ और छोटा सा डी लिख दें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम ड्रैग फोर्स की बात कर रहे हैं। सो नेट फोर्स एक्ट कर रही है एक ड्रॉपलेट के ऊपर, देखो नेट का मतलब होता है तमाम फोर्सेस को ऐड करना। अब इसमें दो फोर्सेस ऐड कर रही है, एक इसकी ड्रैग फोर्स एफ डी और वेट ज्यादा। तो जब दोनों चीजों को ऐड करोगे, दोनों फोर्सेस आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके लिए इनके साथ कौन सा साइन लगाना पड़ेगा गाइड करते वक्त, नेगेटिव, और नेगेटिव साइन उसके साथ आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम। यहां पे नीचे की तरफ अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब इसका वेट ज्यादा है और ड्रैग फोर्स आपके पास बेटा क्या आ रही है, कम, तो इसलिए हम ड्रैग फोर्स के साथ नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास एम जी माइनस एफ डी, ये हमारे पास आ रही है नेट फोर्स, और इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर ए का। जब आपके पास ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आता जाएगा एक खास लम्हे के वक्त, एक खास इंस्टेंट पे, अब ऐसे ऐसे स्पीड इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे इस पे ग्रेविटी बढ़ती जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जब वेट ऑफ द ड्रॉपलेट और ड्रैग फोर्स, वेट ऑफ द ड्रॉपलेट और ड्रैग फोर्स जिस पे एक्ट कर रही है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। व्हेन द, हमें उसी वक्त स्पीड की बात करनी है, द मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ड्रॉपलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे गिरते हुए, व्हेन ड्रैग फोर्स, व्हेन ड्रैग फोर्स क्या बेटा, अपवर्ड एक्ट कर रही है, व्हेन ड्रैग फोर्स एंड वेट आर इक्वल, व्हेन ड्रैग वेट एंड वेट्स आर इक्वल, व्हेन ड्रैग फोर्स एंड वेट आर इक्वल। अमेरा बेटा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ड्रॉपलेट पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का इफेक्ट एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, और वे कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्यू टू ग्रेविटी मूव करेगा, मतलब उसमें ड्रैग फोर्स और वेट तो दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल, अब उसमें ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, बैलेंस हो गया। तो अब मेरा बेटा हम ये कहेंगे कि नेट फोर्स हमारे पास क्या आ रही है, जीरो, तो ये क्या बन गया आपके पास एम जी माइनस एफ डी, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा एम जी माइनस एफ डी, ये माइनस एफ डी इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो एफ डी हमारे पास आ गया इक्वल बेटा एम जी के इक्वल। तो एफ डी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, एफ डी क्या होता है 6 बाई ईटा आर वी टी, तो वहां से वी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमने इसको बैलेंस करके यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, टर्मिनल वेलोसिटी की। मैंने कहा जब आप दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स का इफेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो, तो मैंने नेट फोर्स की जगह क्या लिख लिया बेटा जीरो। कब जीरो होगा, जब आपके पास वेट ऑफ द ड्रॉपलेट एंड ड्रैग फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे बेटा इक्वल, वेट ऑफ द ड्रॉपलेट एंड ड्रैग फोर्स आपस में क्या होंगे इक्वल। तो यहां से अगर जीरो पुट करने से इनके दरमियान हमारे पास एक इक्वल रिलेशनशिप आ रहा है, इसको मैं इधर रेस कर रहा हूं, when drag force and weight of the droplet, when drag force and weight of the droplet are equal, ये आ गया बेटा, ये क्या होता है 6 pi eta r v t, और इधर आ गया आपके पास बेटा m g, and we have to calculate v t, ये 6 pi eta r इसके साथ multiply, और इधर आके क्या हो जाएगा बेटा divide, terminal velocity calculate करने के लिए m g divided by 6 pi eta r, 6 pi eta r, हम droplet की बात कर रहे हैं, droplet का अभी हमारे पास मैस भी नहीं है, तो हमें पता है कि यहां पे मैस निकालने के लिए हम जो फार्मूला करेंगे लिक्विड या गैसेस के लिए वो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब मुझे मैस निकालना है, ये वॉल्यूम इधर के क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस।
अब हमारे पास ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट की शेप स्फेरिकल होती है और स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है मेरा बेटा वो आपके पास क्या होता है 4/3 πr³। स्फेरिकल शेप के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं 4/3 πr³। 4/3 πr³। अब मैं मैस निकालने के लिए मैं यहां पे m की वैल्यू पुट करने के लिए बेटा ये सारी चेंजिंग कर रहा हूं कि मुझे मैस निकालना है तो डेंसिटी इक्वल होती है मैस इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो बेटा लिक्विड की हमें कंसीडर होगी, क्यों जो सा भी लिक्विड यूज करेंगे उसकी डेंसिटी आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है। एक्चुअली हमें उसका वॉल्यूम नहीं पता, हमने जो ड्रॉपलेट यूज किया ड्रॉपलेट की शेप स्फेरिकल होती है तो स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 × π/3 πr³। ये हमारे पास इक्वल आ गया बेटा m के। तो हम यहां पे m की वैल्यू पुट कर देते हैं कि जहां पे ये आ रहा है आपके पास मास ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, m की जगह सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी क्या करनी है बेटा वैल्यू पुट करनी है। अब vt इज इक्वल टू m की जगह लिखेंगे 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय जी। रो मतलब डेंसिटी के लिए हम साइन यूज करते हैं। अब उसके बाद बेटा नीचे क्या आ रहा है 6 πr, ये 3 नीचे आके क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, तो 6 × 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 18। इसको मैं रेस कर देता हूं। ये टर्मिनल वेलोसिटी का vt का सिर्फ रिलेशनशिप निकालने के लिए सारी डेरिवेशन की जा रही है। टर्मिनल वेलोसिटी लॉन्ग टॉपिक है आपके पास, लॉन्ग में आया हुआ है बोर्ड के पेपर में। So, vt आपने कैलकुलेट करना है तो 4πr³ρg मल्टीप्लाई बाय 6 × 3। ये देखो ये 3 इधर नीचे आके जब शिफ्ट करेंगे तो 6 × 3 क्या हो जाएगा बेटा 18। साथ हमारे पास क्या आ रहा है पाई एटा आर, ये जो हमारे पास आ रहा है बेटा पाई एटा आर। अब ये देखिए पाई पाई के साथ ऊपर कैंसिल हो गया, ये आर इस एक आर के साथ कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 4r² ηg डिवाइडेड बाय 18 ηटा। हमारे पास क्या गया डिवाइडेड बाय 18 ηटा। अब 14/18 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है बेटा आपके पास 2r² ηg डिवाइडेड बाय r² ρg डिवाइडेड बाय 9 ηटा डिवाइडेड बाय 9 ηटा। अब ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल रिलेशनशिप आ गया। अब जिस द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट है, डेंसिटी ये भी आपके पास कांस्टेंट है, ईटा ये भी आपके पास कांस्टेंट है, ये विस्कोसिटी का कांस्टेंट है, जी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपके पास और वेलोसिटी जो आपके पास होती है डेंसिटी कहते हैं ये भी आपके पास कांस्टेंट है। अब टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। जो टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल रिलेशनशिप आया है वो दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ड्रॉपलेट या रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। जो ड्रॉपलेट नीचे मूव कर रहा था उसके रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि हमने प्रूव किया फातिमा अवेस। ओके बेटा मैं दोबारा करवा देता हूं आपको। एक्चुअली हमें कैलकुलेट करनी थी टर्मिनल वेलोसिटी, डेरिवेशन थोड़ी सी आसान तो है। खैर टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब एक पानी का ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हुए पानी के ड्रॉप को हवा का सामना भी करना पड़ता है, एयर फ्रिक्शन का, उसे हम नाम देते हैं बेटा ड्रैग फोर्स। अब पानी का ड्रॉपलेट क्यों नीचे की तरफ आ रहा है, पानी का ड्रॉपलेट क्यों नीचे की तरफ आ रहा है, पानी का ड्रॉपलेट अपने वेट की वजह से आ रहा है और उसे ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं ये कहता हूँ कि इस ड्रॉपलेट के ऊपर कितनी फोर्सेज एक्ट करी, इस पर 2 फोर्सेज एक्ट करी है, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ, वेट उसका नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब ये है कि पानी का जो वेट है या ड्रॉपलेट का जो वेट है वो ड्रैग फोर्स से ज़्यादा है। तो मैंने वहाँ पर लिखा था कि आपके पास ड्रैग फोर्स का जो यहाँ पर जो वेट था जिसे हमने mg कहा वो mg इज ग्रेटर देन आ रहा है आपके पास fd के। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे चले बेटा ये कल कर लेंगे, आपके पास जो ये लास्ट वाला टॉपिक है दोबारा से टर्मिनल वेलोसिटी का कर लेते हैं। आपका टेस्ट स्टार्ट होना था तो 1 या 2 सेकंड में आपका भी ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, कल बात करते हैं इसके बारे में टर्मिनल वेलोसिटी की। फर्स्ट ईयर
भाई आपका टेस्ट स्टार्ट है चैप्टर नंबर 5 से था, आपको बताया गया था चैप्टर नंबर 5 आप लोगों ने पढ़ के आना था, उससे रेलिवेंट आपका ये टेस्ट था बेटे। इंशाल्लाह कल फिर हम लोग अगेन यही बात करेंगे। डेंसिटी बेटा हर लिक्विड की कांस्टेंट होती है जी बेटा, एटा इज़ अ विस्कोसिटी, जो लिक्विड होगा उसका वही एटा होगा, मतलब किसी भी लिक्विड की बात करो तो हर एक का कोफिशिएंट विस्कोसिटी डिफरेंट होता है, जैसे कि टेबल में गिवन है। कल ये जिसको कमेंट में मैंने आप लोगों को बेटा पढ़ लिया कि डेरिवेशन आपको बहुत मुश्किल लगी है, तो कल दोबारा फिर इंशाल्लाह हम टर्मिनल वेलोसिटी पे ही बात करेंगे, और टर्मिनल वेलोसिटी की डेरिवेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप है, वेट और ड्रैग फोर्स दोनों को इक्वल लिखना है। वेट बेटा आप सबको पता है वेट इज इक्वल टू mg होता है, और ड्रैग फोर्स आज हमने पढ़ा 6πηrv होती है, और यहाँ से v निकालना और बाकी सारे फैक्टर को दूसरे साइड पे जाके डिवाइड कर देना, बस इतना काम था। खैर कल करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों ने तो मुझे भी परेशान कर दिया। आपका रिजल्ट देख लेते हैं, हमारे सामने रिजल्ट जो अभी टेस्ट हुआ है आपका, फोर फातिमा फोर है, फोर 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 नो वन इज नॉट द फाइव। देखो बेटा आपका जो भी कहेंगे एमसीक्यूज गलत है, आप लोग इधर अच्छे से दिखेगा। शेराज फातिमा मशुल्ला शाहजैन बिनते वेरी गुड बेटे, तो कल इंशाल्लाह अगेन हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी पे, ये जो आपको हार्ड डेरिवेशन लगी थी बहुत ही आसान डेरिवेशन थी, कल इंशाल्लाह अगेन हमारी क्लास होगी 420 से 455, और सबसे पहले ही हम पहले 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये कर लेंगे टर्मिनल वेलोसिटी को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।